और बता छोटे, क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक है? अरे सेठ जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैं एक दिक्कत ये आ रही है। मैंने तुमसे बात कही थी ना वो नए धंधे की, हाँ, तो उसके लिए क्या है, सब सेट है मामला, लेकिन कारीगर ना मिल जाए। एक बार सेठ जी बढ़िया कारीगर मिल जाए, मजा आ जाए। अरे सेठ जी, लीजिए मिठाई खाइए। अरे लीजिए लीजिए छोटे, बेटा तू भी ले ले, मुंह में डाल दे। अरे ले, मुंह खोल ले। अबे पेपर तो छोड़, अब जिंदर ले बड़ा। ये मिठाई क्यों मार रहा तू? ओ क्या है ना सेठ जी, की बड़े साहब ने पिंकी दरोगा को ना सस्पेंड कर दिया और मेरी तरक्की होने वाली है। ओए होए, मतलब ये है कि पिंकी जी की खटिया खड़ी हो गई। जी बहुत बढ़िया रहा, बहुत परेशान किया था, पूरा मोहल्ला परेशान था, अट हो गई थी, अट बढ़िया। ये बात तो सही, छोटे कसम से बहुत बढ़िया। दरोगा जी तुम यही हो? अरे अबे अब दरोगा ना है। पिंकी जी बहुत, मतलब हम दोनों अभी बात कर रहे थे, तुम्हारी इतना अफसोस हुआ, इतना दुखी हो गए कि मतलब तुम्हारी नौकरी चली गई। छोटे अभी पिंकी जी की नौकरी गई नहीं है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, सस्पेंड हो गए हैं पिंकी जी। पिंकी जी कितने दिन के लिए निकाले गए नौकरी से? अपना वो कह रहे थे कि इस बार तो लंबा जाएगा, ऐसा कह रहे थे। ओहो, मतलब फिर तो घर पे आराम है ना? ना सेठ जी, आप जानते हैं पिंकी जी को ना ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत ना है। पिंकी जी इस बार सोच रहे हैं कि अपनी जो एक्स्ट्रा डिग्री है ना उसका यूज कर लेंगे शायद। एक्स्ट्रा कौन सी डिग्री? पिंकी जी ने कुकिंग का कोर्स कर रखा है, फर्स्ट क्लास में पास हुए थे पिंकी जी। हाँ बावर्ची है। बहुत बढ़िया रहा। अरे अरे पिंकी जी, क्या जी 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 बताओ सही सही कि मतलब छोले भटूरे कैसे बनाते हो आप? पिंकी जी ऐसे छोले भटूरे बनाते ना, कहीं तू खा ले तो छोले भटूरे के साथ यूं अपनी उंगली भी चबा जाएगा। ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। अरे भैया सुनो पिंकी जी। क्या पिंकी जी को समझे ना? पिंकी जी आपकी नौकरी पक्की? मतलब? अरे ये लौंडा खोल रहा है छोले भटूरे की दुकान, और ऐसे कारीगर भी चाहिए। अच्छा, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे तू कहाँ गुजरी है, पीछे आगे देख। नाराज क्यों हो डार्लिंग? अरे ना बस ऐसे ही बस। क्या कहा तूने अभी, फिर से कहियो। डार्लिंग। अरे तेरे ये सुर कैसे बदले से हैं? सुनार की दुकान पे कोई गहना तो ना देखे अपने लिए? क्या इलायची के पापा हमेशा गलत ही सुर पकड़ते हो? इतने प्यार से तू मुझसे कभी बात ना करती? तो क्या मैं हमेशा नफरत से बात करती हूँ तुमसे इलायची के पापा? ना इतने प्यार से भी ना करती लेकिन तू तो आज कर रही हो ना? क्यों कर रही है? इलायची के पापा बहुत दिन हो गए हमें रोमांस किए। मैं रोमांस ना कर रहा। ये गोली खा लो, रोमांस जाग जाएगा। अरे पता ना कैसा रोमांस होगा जो गोलियां खा खा के। इलायची के पापा कुछ हुआ क्या? ये हो रहा है बस। सुन, मैं छोटे की दुकान पे जाके आ रहा हूँ, अगर रोमांस मेरे अंदर जरा आया ना, फीलिंग आई तो दौड़ के आ जाऊंगा, ठीक है? अरे रोमांस आए। अरे भैया, अरे कुछ तो हरकत हो जाए भैया, बड़े परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है कौन से तरीके का कब्ज हो गया है हमें। अरे क्या करे भैया, एक काम करता हूँ, हरकत की गोली खा लेता हूँ तभी। अरे अरे भैया ठीक कैसे होगा? अरे देखो सेठ जी, तुम्हारे नाम से खुल गई है। ये मुबारक हो बेटा। सेठ जी
दिल खुश हो गया, मतलब दिल खुश हो गया। लो भाई जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। भटूरा भी रेडी है। अरे पिंकी जी। हाँ जी भाई, आपको इस तरह ये बाबर जी का काम करते देख के ना बड़ी हैरानी थी हो रही है मुझे। गलत लाइन में चले गए आप, पुलिस लाइन में। आपको तो बाबर जी का ही काम करना चाहिए। सेठ जी, आपने ना मेरी दिल की बात कह दी, कसम से। बिल्कुल सही कहा आपने। बेटा शायद तू भूल गया है कि पिंकी जी भी पुलिस अफसर हो रखे, वो भी तुझसे सीनियर। अरे यार छोटे, कैसा आदमी पाल रखा है यार। अरे लेकिन इस टाइम पे तो छोले भटूरे बना रहे ना तू, तो छोले भटूरे पे ध्यान दे, पुलिस गिरी दिमाग से निकाल, टाइम बर्बाद मत कर, बढ़िया बना, बढ़िया बना रही नहीं चाहिए मुझे। अरे बेटा छोटे, देख दुकान का मुहूर्त निकला जा रहा है, अब तू जल्दी से सेठ जी को छोले भटूरे खिला और श्री गणेश कर। छोले भटूरे बनाए भी बहुत बढ़िया है, गरम गरम। मतलब इतनी खुशी हो रही है छोटे, मैं क्या बताऊं, बस एक बार ये मेरे मुंह में गया और तेरा धंधा ऐसा चला के तू देख। क्या हुआ? अरे खाइए सेठ जी। मैं खिलाऊं, मैं खिलाऊं। मिर्च मिर्च है क्या ज्यादा? क्या क्या समझ नहीं आ रही है? पकड़ एक मिनट सही, छोटे मेरे जो है पेट में गड़बड़ हो रही है कुछ। हैं? नहीं सुना। अरे इलायची कैसी है? अरे कहाँ जा रही हो सेठ जी? इलायची के पापा को ना ये चमेली का सेंट बहुत पसंद है। इलायची के पापा, क्या महसूस कर रहे हो? अरे अरे पेट में ना बस थोड़ी धुकुर पुकुर सी हो रखी है। अच्छा, ऐसा लग रहा तुम्हारे अंदर ना रोमांस की सुनामी आ रही है। अरे रोमांस की ना कोई और ही सुनामी लग रही है। अच्छा? मेरे पेट में ना थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है। इलायची के पापा, इलायची के पापा। अरे हाँ रुको। अरे अब ना रुका जाएगा। इलायची के पापा, अब ना रुका जाएगा। अरे इलायची के पापा, अरे अरे भाग टूट गए। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? पता नहीं क्यों इलायची जी, आप पे बड़ा प्यार आ रहा है। एक मिनट ना, हटो। क्या इलायची जी, क्या कर रही हैं आप? हटो। रुकिए तो सही, हमारी बात तो सही। इलायची जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। इलायची जी, अरे आप यहाँ। आप कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? इलायची जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि पंचम लव्स इलायची जी। लगता है गोलियां काम कर रही हैं। इलायची जी। हाँ? हमें आप पे बहुत प्यार आ रहा है। आप सुनिए तो, इलायची जी हमारी बात तो सुन लीजिए। इलायची जी एक बार ही सुन लीजिए ना, एक बार ही। गुड नाइट इलायची जी। अरे इलायची जी, आ जहां तक हमको ध्यान, कुछ उल्टा नहीं खाया, फिर क्यों ये आग लगी हुई है? तुम्हारे तो पेट में आग लगी है, लेकिन मेरे तो दिल में आग लगी है। इस आग को अपनी मोहब्बत से बुझा दो। आग...
तक भागोगी मुझसे? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगा। क्या लिख रहे हैं? पंचम लव्स ईलू, क्या खूब लिखा है आपने। लेकिन कहाँ पे लिख दिया है? इलायची जी, हम इस घर की हर दीवार पर, चांदनी चौक की हर दीवार पर ये लिख देंगे कि पंचम लव्स इलायची। बड़ी क्यूट आप है। लेकिन सुनना, अगर ये किसी ने पढ़ लिया है, खास करके पापा ने, तो कयामत आ जाएगी। लाइसी जी, कयामत हर प्यार करने वाले की जिंदगी में आती है, और जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं है, और जो डरते हैं वो। आप तो सबसे बड़े वाले डरपोक थे। पूरा एक साल लगा दिया मुझे अपने दिल की बात कहने में। यू लव मी, रहने दो आपा। लाइसी क्या चल रहा है? हसन, तू मुझे देख कर चिल्लाई क्यों? पापा वो सरप्राइज हो गई तो एक्साइटमेंट में चीखने लगी आपको देख के। ये पापा, मैं देख रहा हूँ आजकल मुझे देख के तू बहुत सरप्राइज हो रही है। कहीं ऐसा मत करियो कि एक दिन मुझे ही सरप्राइज दे दे। अपन जमे, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा जाके दुकान पे बैठ जा। अबे जा। लाइची, हाँ? तू ये खंभे से चपक के क्यों खड़ी है? वो पापा, मुझे ना बहुत मजा आता है, और खुजली हो तो ऐसे से खुजला भी सकती हूँ, so easy, you know? लेकिन आज से पहले तो मैंने कभी ना देखा तुझे खंभे से चपक के खड़े होंगे। वो मैंने अभी भी शुरू किया पापा। अरे क्या हो रहा है ये बाथरूम जा जाके थक गया हूँ मैं। तो जाइए आप। जा रहा हूँ। मेरी भी खुजली हो रही है। ओए हाय यार। जी सुनो तो जी, ये क्या कर रहे हो? हिम्मत ला के रहोगे आप? अरे यार, जनाजा निकलवाओगे मेरा यहाँ से? चलो 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 चलो। अरे सेठ जी आ गए। अरे आओ 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 सेठ जी। अरे कब से पलके बिछाए हूँ मैं। आओ सेठ जी बैठो। कैसे हो? बस ये लीजिए, पिंकी जी आपको दे रहे हैं खाले। हाँ चल खा रहे हो, दिखने में अच्छा लग रहा है बहुत। आज से तो तेरा धंधा ऐसा चलेगा कि तू मुझे याद रखेगा। क्या हुआ? देखो मैं खा रहा हूँ, खा रहा हूँ मैं। क्या हुआ? मैं खिलाऊं? पकड़, पकड़। ये पिछली बार पकड़ा गए थे तुम। अरे पकड़ दे। फिर गच्चा? अरे यार पेट में गड़बड़ हो गई फिर से। अरे सेठ जी गच्चा। ना, 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 ना। अरे सुनो सेठ जी। अरे सेठ जी क्या नाटक है? उतर गया सर। मंगी बाइक में तो हवा टाइट हो गई सर्दी में। जी आराम से। वैसे साहब जी आपने बाइक बड़ी अच्छी ली है। अरे वो क्या है ना कि अपनी धर्म पत्नी के साथ अक्सर बाजार जाना रहता है भाजी तरकारी लाने, और मेरी बीवी जो है ना बड़ी चूजी है, वो हर चीज रफ टफ पसंद करती है, इसलिए मैंने लेटेस्ट मॉडल की बाइक ली है। चले चले, एक काम तो कर, चाबी निकाल ले। अरे साहब जी चिंता ना करो, अपना मोहल्ला है, कोई हाथ ना लगाएगा। अच्छा ये बात है जी। ठीक है चलिए। अरे
आइए आइए सर आइए, पिंकी जी आपका वेलकम कर रहे हैं। पिंकी जी बोल रहे हैं। साहब जी वेलकम ने चमचा गिरी कर लिया है सर। ये लीजिए सर, खा के बताइए कैसे। भाई खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक प्लेट मंगी के लिए भी लगाओ भाई, वो भी हमारे साथ खाएगा। कौन ये? क्यों मैं नहीं खा सकता? लगा चल। हाँ दे रहे सर। लो भाई मंगी, तुम भी लो। अरे ए! क्या मुझे यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? नहीं सर। अरे जब छोले भटूरे खिलाने नहीं थे तो हमें यहाँ पर बुलाया क्यों? चलो जी आइए सर। सर सर नहीं सर प्लीज बात। यार मंगी बाइक कहाँ है? जी लगता है चोरी हो गई। ये साले तूने क्या कर दिया? अब मेरी बीवी के पैसे से खरीदी हुई बाइक थी, अब पता नहीं ना जाने वो घर में मेरा क्या हाल करेगी। अब ये तूने क्या करवा दिया? बोला था ना कि गाड़ी से चाबी निकाल ले। ये मंगी चल ढूंढता हूँ गाड़ी। इधर चल इधर। हाँ अरे सुन, कौन लफंगा हॉर्न मार रहा है? जीजा जी जी लाइसी जी, हम कहाँ जा रही हैं आप? स्कूल ड्रेस पहनी है, स्कूल बैग है, तो स्कूल ही जाऊंगी ना। नहीं नहीं लाइसी जी, वो दरअसल क्या है ना कि आप स्कूल ड्रेस पहन के भी कभी कभी स्कूल नहीं जाती हैं, तो हमने सोचा कि शायद वो आज एक दिन है, मतलब आपको तो पता ही है हम आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ घूमने चलिए। क्यों नहीं चलो, आपको पूरी दिल्ली की सैर कराएंगे हम। बहुत बढ़िया। एक मिनट, ये बाइक कहाँ से आई जीजा जी? चुरा के लाए हैं क्या? आइए ना आप। चोर 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 चोर। अरे पकड़ 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 पकड़। और ही करेगा। सॉरी सर जी, कानून की बाइक लेकर भागता है। हाँ मंगी जी, डाले से जेल में छूटना नहीं चाहिए। चल बेटा, सबसे पहले हवालात में मैं तुझे डंडे खिलाता हूँ, फिर जेल में डालता हूँ। साले चोरी करेगा। कमिश्नर साहब हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात तो सुनिए, हम आपके पास यहाँ नहीं वाले थे बाइक देने। अच्छा बेटा, वापस करनी थी तो चोरी क्यों किया बे? मैं बताती हूँ, वो क्या है ना, इनकी जो आंटी है ना वो बहुत ही बीमार है, उन्हें खून की जरूरत है एक्चुअली, और अगर खून टाइम पर नहीं पहुँचा आंटी जी के पास तो वो इसलिए बाइक लेके जा रहे थे। क्या ये बात है, ले जाओ गाड़ी। चलिए चलिए लाइसी जी। अरे कानून को भी साथ में ले जाओगे क्या? बाइक भी ले जा रहे हैं और मुझे भी ले जा रहे हैं। ठीक है बेटा। ओके थैंक यू अंकल, बाय। बाय बेटा, एक मिनट। बाय। हे भगवान, इस बार सब अच्छा होता है, पिछली बार तो मेरे भाग ही फूट गए थे। अरे ओ अरे क्या हुआ, क्यों ऐसी भरी दोपहरिया में चिचिया रही है तू? ओहो इलायची के पापा, तुम ना समझते नहीं हो, देखो ना मैंने ना पूरा माहौल बना दिया है एकदम रोमांटिक वाला। चल अब मैं अपने रोमांस के घोड़े जो हैं दौड़वाता हूँ। इलायची के पापा रुको। अरे रे, मेरे पेट में गड़बड़ हो गई। ना ना मेरे घोड़े जो हैं अभी ना दौड़ पाएंगे। इलायची के पापा। अरे ना ना मेरे तो भाग ही फूट गए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.